बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा के जाने से। मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो मैं जस्ट पूजा करके आ रही हूँ एंड आज कॉलोनी में पापा का आखिरी दिन है। तो अभी पता रात को ना रामायण हुई थी तो मैं गई नहीं, 10 बजे तक मैं झांक झांक के देखी, मेरे को कोई लेडीज दिखी नहीं या फिर दूर है बोल के मैं आइडिया नहीं लगा पाई, ये हो सकता है। बाकी बोल रहे हैं सब लोग बैठे थे तो मैं नहीं गई, फिर मैंने चेंज कर लिया। पतिदेव 1 बजे आए हैं रात को रामायण से एंड अभी आरती होगा कि हवन करने आएंगे डायरेक्ट पंडित जी, उसमें कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं पंडित जी अभी आते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि कल तो मैंने बात की थी वो बोले सुबह की आरती होगी तो आएंगे, तो अभी बाहर गए हूँ तो बोल रहे हैं कि सुबह में एक बार में हवन होगा। तो आई डोंट नो क्या होगा, मतलब नहीं तो इसलिए मैंने सूट पहना था, अगर हवन हो तो सीधे साड़ी डालती ना। चेंज कर लिया, मैं गई थी उधर पता करने तो 12 की जगह अभी 11 होगा ना, आरती एक बार में ही होगी बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा गर्मी थी तो चेंज कर लिया मैंने, यानी इतने कपड़े गंदे करके सुखाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। बस अभी सीधे 1 घंटे में साड़ी पहनूंगी एंड फास्ट रहेगा जब तक हवन नहीं हो जाता तब तक करके बैठी हूँ। अभी सरिता बता रही है कि होगा आज, तो चलिए कोई बात नहीं, रेडी हूँ मैं, बस पंडित जाएंगे चेंज करके भगवान सीधे आरती। तो यहाँ पर नितिका को लग गई है भूख, तो अभी तो कुछ बनाया नहीं है इसलिए उसको दूध बिस्किट दे दिया। एंड पंडित जी अभी तक नहीं आए, अभी 9:30 हो गया ना, अब मेरे को नहीं लगता वो आएंगे सीधे, अब 11 ही आएंगे बोलो। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ घर के लिए। तो मुझे नहीं लगा था पंडित जी आएंगे, बाकी 10 बजे वो आ गए बोले, फिर हम लोग गए आरती। मिष्टी देखो तो, नहीं तो हूँ बोल दिए मिष्टी, जान रही है वो भी वीडियो बना रही है क्या। गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जाती पार्वती पिता महादेवा। पूजा के लिए रेडी हुए, बहुत ही सिंपल हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी है, ज्यादा तामझाम करके कुछ फायदा नहीं है, बस चूड़ी डाली एंड रिंग डाली बस और कुछ। तो चलिए तो यहाँ पे बन रहा है खाना, क्योंकि आज कॉलोनी वाले सब एक साथ खाएंगे लाइक भंडारा। यहाँ हो रहा है निकल बाबा का ग्रेट बंद हो गया, चले जाएंगे और हमारे घर के पास इसके बाद मेरा फैंस हाथ कर दिया, उंगली कटी सॉरी, मेरी फ्रेंड है फेवरेट से गाजा जल्दी मम्मी बाकी मम्मी को नहीं पता। तो यहाँ पर हवन पूजन जो भी है उसके बाद मूर्ति को थोड़ा हिलाया जाता है उनकी जगह से, ताकि उसके बाद विसर्जन के लिए लेकर जाया सके, मतलब जाया जा सके कुछ उस टाइम। तो यहाँ पर मूर्ति तो हमने थोड़ी थोड़ी हिला दी बोले एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ रिचुअल जो मैंने पहली बार देखा, बाकी बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया।
तो ये देखिए यहाँ पर हवन हो गया, उसके बाद खाना भी लगभग बन ही गया। तो यहाँ पर बना था माँ की दाल एंड टमाटर एंड राइस, और वो भी सादा बिना प्याज लहसुन के। तो जब भी कॉलोनी में कुछ होता है हम सब लोग ऐसे ही मिलके खाते हैं नीचे बैठ के, कई बार बर्थडे पार्टी में भी ऐसे ही खाते हैं, एंड कुछ भी ओकेज़न हम करते हैं तो ऐसे खाते हैं, अच्छा लगता है बहुत सब मिलजुल। डांस कौन कौन करेगा? अनीश, अनीश पहले करेगा, अनीश को पहले कराएंगे तब तो। खाना पीना हो गया सब कुछ, अब यहाँ पर विसर्जन की तैयारी हो रही है, तो सब लोग मिलके बप्पा की मूर्ति लेकर आ रहे हैं एंड फिर से ट्रक में लोड करना है। तो बहुत ही मुश्किल काम है बूढ़े, क्योंकि बहुत ध्यान से करना रहता है सब चीज़, जो कि बहुत अच्छे से हो गया एंड बहुत खाली लग रहा था फिर यहाँ पर। मतलब हम लोग जब आए ना विसर्जन करके, बहुत मतलब सूना एकदम, देखिए बड़ी मुश्किल से चढ़ा रहे हैं सब, ये देखिए। तो हमारे पापा आ गए ट्रक में एंड ये सारे हमारे कॉलोनी वासी सब ने बहुत एंजॉय किया कर। तो बस विसर्जन के लिए निकलना है, तो हमारी महिला मंडल पूरी तरीके से रेडी है, हाली तो फोटो सेशन में बिजी है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा के जाने से।
all these brothers, my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do a run now. All these brothers, my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do a run now. जैसे कि मैंने वीडियो में बार बार बोला बहुत सी जगह कि हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। एंड हम आज तो दूसरे दिन है, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, हम लोग बाहर भी खाली वही चर्चा कर रहे हैं कि हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड आप लोग ने देखा भी व्लॉग में, सब ने मतलब साथ में मिलके जो एक खुशी का माहौल बनता है वो आप अकेले कभी नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर पापा को उतार लिया गया ट्रैक्टर से। तो अभी यहाँ पर लास्ट आरती हो गई, क्षमा आरती, उसके बाद सीधे पापा का विसर्जन। एंड बस यही बोलना है, अगली बार तू चलते यार। देखिए रात के 10 बज रहे हैं, अभी वहाँ पे कितना सुनर लग रहा है जहाँ गणेश जी बैठे थे। एक दो लोग बैठे हुए ऐसे टाइम पास। के 10 बजे बाहर क्या कर रही हूँ, सारे दरवाजे बंद है सभी लोगों के। वीडियो एडिट किया, अभी अपलोड कर रहे हैं। एंड नेट की जो स्पीड है ना, मेरा दिमाग ख़राब जाता है वीडियो अपलोड करने में, सही बताऊँ तो। बट काम है मेरा तो मुझे करना ही है, बोले कुछ ऐसा। तो अभी जा रही हूँ, हो गया। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत इन्जॉय किया, कुछ मतलब बहुत अच्छा लगा। सिंपल शब्दों में अगर एक्सप्लेन करूँ तो सबने मिलजुल के किया, सब कुछ बहुत अच्छा था।